जय श्री राम दोस्तों, एमडी करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे, प्राइम नंबर पढ़ रहे थे कल, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के कारण क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। प्राइम नंबर अपना अधूरा रह गया था, आज अपन उसको प्राइम नंबर को वापस लेते हैं। प्राइम नंबर से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल देख लेना। देखो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, हिंदी में लिख लो अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, दो ही फैक्टर संभव हो, और वो भी दो फैक्टर कौन कौन सा, एक तो वन और एक वो स्वयं संख्या। जिसके दो ही गुणनखंड संभव हो, एक तो वन और एक वो खुद स्वयं संख्या, तो वो क्या है, प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिया 11, 11 के कितने फैक्टर संभव है, 2, 1 और एक स्वयं संख्या 11। जैसे मैंने ले लिया 3, 3 के कितने फैक्टर संभव है, 2, एक तो 1 और एक 3। समझ गए होंगे दोस्तों, ऐसे अपन ने ये बात कर ली थी कि 100 तक के जो प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 61, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये अपन ने 100 तक की प्राइम नंबर की बात कर ली थी। अब अपन ने इसमें कुछ फैक्ट निकाले थे कि अगर 1 से 10 तक के प्राइम नंबर की बात करें, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक प्राइम नंबर कितने आते हैं दोस्तों, 4, 2, 3, 5 और 7, 4 प्राइम नंबर आते हैं। फिर हमने बात की थी 1 से 20 तक, तो 20 तक कितने आते हैं दोस्तों, 8, क्योंकि ये 4 और जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, अगर अपन 1 से 50 तक की बात करें तो ये आते हैं दोस्तों यहां तक 15 आते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक कितने आते हैं, 15 आते हैं। और अगर 1 से 100 तक की बात करें तो ये आते हैं दोस्तों 25, और अगर 1 से 1000 तक की बात करते हैं तो आते हैं दोस्तों 168। ये फैक्ट लिख लीजिए दोस्तों, ये कॉमन फैक्ट है, इनमें से क्वेश्चन आना आते रहते हैं, तो इसलिए इनको याद ही कर लीजिए दोस्तों। 1 से 10 तक 4, 1 से 20 तक 8, और 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, और 1 से 1000 तक 168 फैक्टर है दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, अभी अपन आगे लेते हैं, यहां तक अपन ने बात कर ली थी, अब इसके कुछ फैक्ट्स और बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स की ओर बात करते हैं। देखो इसका सबसे छोटा फैक्टर जो दोस्तों एक है ना, एक एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही भाज्य संख्या, सॉरी एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं दोस्तों। संयुक्त संख्या का मतलब भी भाज्य संख्या ही होता है, अगर संयुक्त संख्या आ जाए उसका मतलब भी भाज्य संख्या ही होता है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, 2 है, 2 है। लेकिन अगर मैं सम संख्या की बात करता हूं, इवन प्राइम नंबर, अगर मैं इवन प्राइम नंबर की बात करता हूं तो इवन प्राइम नंबर भी क्या है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है केवल 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है दोस्तों, इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या है, ओड प्राइम नंबर है दोस्तों, विषम संख्या है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या है। और एक क्या है, एक ना तो भाज्य है, ना कंपोजिट नंबर है, और ना ही क्या है, अभाज्य है दोस्तों। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। इनको उतार लीजिए दोस्तों, अभी अपन आगे बात करते हैं, ये इसके कुछ फैक्ट थे, अभी अपन आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ तरीका बताता हूं कि प्राइम नंबर का परीक्षण कैसे करें, कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका परीक्षण कैसे करें अपन। अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका परीक्षण करने के 2 तरीके हैं दोस्तों, और ये बहुत काम के तरीके हैं दोस्तों, आप समझ लीजिए। पहला मेथड,
जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट तरीका जो है वो तो ये है कि यदि कोई संख्या अभाज्य होगी, यदि उस संख्या का निकटतम वर्गमूल ज्ञात होगा और जो दी गई संख्या है प्राप्त संख्या से कम किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या। अर्थात जैसे मैंने कोई संख्या ले ली दोस्तों, मैंने ले लिया 113 ले लिया दोस्तों, अपन को चेक करना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसके निकटतम कोई स्क्वायर वाली कोई संख्या देखो, जैसे मैं बात करूं 10 का स्क्वायर 100 है, 11 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121। इसके निकटतम स्क्वायर वाली संख्या क्या है 121। किसका स्क्वायर है ये? 11 का स्क्वायर है। तो 11 से छोटी जितनी भी, 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको लिख लीजिए। 11 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या है? 2 है, 3 है, फिर मैं बात करूं 5 है, 7 है, 11। 11 तो खुद हो गया, ठीक है दोस्तों। यदि इन संख्याओं का भाग इस संख्या में नहीं जाता है, इन संख्याओं का भाग यदि इस संख्या में नहीं जाता है तो ये डेफिनेटली क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, अन्यथा नहीं। देख 2 का देंगे तो 2 के लिए इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। 5 का भाग किसमें जाएगा? जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 हुआ, इसका मतलब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 3, 4, 1, 5, इसका इनको जोड़ते हैं तो संख्या 5 आती है, तो 6 के पहाड़े में नहीं है, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। 7 का देते हैं तो 7 और बच गए कितने 4, 7, 6, 42, 7 का भी नहीं जाएगा। अगर 11 का देते हैं तो 11 का भी नहीं जाएगा, इसका मतलब इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये 113 क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे मैंने ले लिया दोस्तों 49 क्या 51 ले लो। अब अगर इसको चेक करना अपन को कि 51 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसके पास में जो स्क्वायर है वो देखते हैं। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 आ गया, इससे जस्ट बड़ी संख्या क्या आ गई स्क्वायर वाली 64 आ गई। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो 8 से छोटी प्राइम नंबर संख्या लिख लीजिए 2, 3, 5 और 7। यदि इन संख्याओं का भाग इसमें चला जाता है तो ये कंपोजिट नंबर होगा, और अगर भाग नहीं गया तो प्राइम नंबर। 2 का देंगे 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 के पहाड़े में नहीं है। 5 का देंगे 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। 3 का चेक करें तो 5 और 1, 6 जो कि 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर ना होके कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर दोस्तों? भाज्य संख्या है, संयुक्त नंबर है, संयुक्त संख्या। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक मेथड तो अपना ये था कि कोई भी संख्या ले ली, जैसे मैं एक संख्या और लूं, जैसे मैंने ले ली 147 ले ली, चेक करना है 147 डिवाइडेबल वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके पास में स्क्वायर की कोई संख्या देखो दोस्तों, देखो 12 का 144 होता है और 13 का क्या होता है? 13 का 189। अब देखो 13 का स्क्वायर है तो 13 से छोटी संख्या प्राइम नंबर लो, देखो जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, फिर 11 हो गई। अब इनका डिवाइड देखो, देखो 2 का भाग जाएगा किसमें? नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 के पहाड़े में नहीं है। 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। 3 का देखते हैं, 7 और 4, 11 और 1, 12, हाँ 3 का जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है दोस्तों? मतलब सारी संख्याओं का भाग ना देखे, उसके उससे जस्ट बड़ी स्क्वायर वाली कोई संख्या देखो, उस संख्या से, उसके वर्गमूल से, उस संख्या के वर्गमूल से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका भाग देके देखो, यदि उसका भाग जाता है, चला जाता है, तो वो क्या है? प्राइम नंबर है, अन्यथा, सॉरी, भाग चला जाता है तो कंपोजिट नंबर है, अन्यथा प्राइम नंबर है। एक तरीका तो यह है। एक दूसरा तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, शॉर्ट तरीका है दोस्तों, सेकंड मेथड शॉर्ट तरीका है, लेकिन
ये कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ए प्राइम नंबर देन इट मस्ट बी ए फॉर्म ऑफ 6+1 ऑफ 6m-1। यानी यदि कोई संख्या भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो वह संख्या या तो 6m+1 की फॉर्म में होगी या तो फिर 6m-1 की फॉर्म में होगा। कैसे दोस्तों? जैसे अपन बात करते हैं, यदि कोई प्राइम नंबर है तो या तो वो 6m+ की फॉर्म में होगी या माइनस की फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी दोस्तों। जैसे मैंने बात की 47 में भाग दो, 6 का कितने मल्टीपल है, 7 6 42, 7 6 42 और 8 7 8 6 48। देखो माइनस वन हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी 6m-1 की फॉर्म में है। अगर मैं बात करूं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे अपन ये ले रहे हैं, ये जो संख्या है इसमें अपवाद है दोस्तों 2 और 3 इसमें अपवाद है, ये 6m+-1 की फॉर्म में नहीं होते। 2 और 3 को छोड़ के सारे, देखो यहां बात करते हैं, 6 एकम 6 6 से 1 कम है, 6 एकम 6 6 से 1 ज्यादा है, तो 6-1 6+1, 6 2 12 12 से 1 कम है, 12 से 1 ज्यादा है, 6 3 18 18 से 1 कम है, 18 से 1 ज्यादा है, 6 4 24 24 से 1 कम है, 24 से बड़े क्या है 25। साहब इसमें 25 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ इसमें यही समस्या है, इसमें यही समस्या है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे, इसमें यही समस्या है कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो 6m+-1 की फॉर्म में होंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 6m+-1 की फॉर्म में अगर कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, तो वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। इसका मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। अगर कोई इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। जैसे मैं बात करूं 47 और 49, 6 का पहाड़ा देखो 48 आएगा, 48 से एक कम करोगे 47, ये क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 49 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसमें 7 का पहाड़ा जाता है। तो इसलिए अपन इससे ये ट्राई नहीं कर सकते कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं कि प्राइम नंबर ये है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। देखो जैसे या पढ़ने 6 4 24 24 से 1 कम करेंगे 23, हाँ साहब प्राइम नंबर है, लेकिन 25 नहीं है, क्योंकि 25 में किसका भागदार है, 5 का। ऐसे ही 6 5 30, 30 से 1 कम प्राइम नंबर है, 30 से 1 ज्यादा प्राइम नंबर है, 6 6 36, 6 6 36, अब देखो 36 से 1 कम 35, 35 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसमें 5 का भाग जाता है, लेकिन 36 से 1 ज्यादा प्राइम नंबर है। ऐसे 6 7 42, 1 कम प्राइम नंबर है, 1 ज्यादा प्राइम नंबर है, 6 8 48, अब 48 से 1 कम प्राइम नंबर है, लेकिन 49 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 7 का भाग चला जाता है, और 6 9 54, 54 से 1 कम प्राइम नंबर है, लेकिन 55 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसमें वो चला जाता है, तो 6 10 60, 60 से 1 प्राइम नंबर है, 60 से 1 नंबर। ऐसे ही 66, 66 से 1 ज्यादा क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही 66 से आगे अगर जोड़ोगे तो आएगा 72, 72 से 1 कम प्राइम नंबर है, 72 से 1 ज्यादा प्राइम नंबर। यानी यदि कोई संख्या प्राइम नंबर होगी तो वो 6 के पहाड़े से या तो 1 ज्यादा होगी या तो 1 कम होगी, ये आप कन्फर्म डेफिनेटली कर लो दोस्तों। लेकिन अगर वो प्राइम नंबर हो, ये कोई बाध्य नहीं है। समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि कोई संख्या 6m+1 6m-1 में की फॉर्म में है तो यह जरूरी नहीं कि वो एक अभाज्य संख्या हो, वो एक अभाज्य संख्या हो, यह जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि कोई प्राइम नंबर है तो वो इस फॉर्म में 100% होगी, ये डिसाइड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अभी अपन आगे बात करते हैं कि ये कैसे काम आएगा। अपने क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करो। 50 से छोटी अभाज्य संख्या अभी आपको याद कराई थी मैंने, कितनी है, 15 है दोस्तों। अभी अपन आगे चलते हैं
देखो यहां याद कर लो दोस्तों, एक से पचास, पचास से छोटी कितनी है 15 है, 20 से छोटी कितनी है 8 है, 10 से छोटी कितनी है 4 है, 100 से छोटी कितनी है 25 है, 1000 से अगर बात करें तो 168। याद कर लो दोस्तों इनको। अभी अपन आगे चलते हैं, निम्न में से सबसे छोटी बाह्य संख्या, बाह्य संख्या भी बोल सकता है, यहां संयुक्त संख्या भी बोल सकता है दोस्तों, और यहां कंपोजिट नंबर भी बोल सकता है, कंपोजिट नंबर एक ही बात है दोस्तों, सबसे छोटी बाह्य संख्या की बात कर रहा है दोस्तों। तो सबसे छोटी बाह्य संख्या देखो एक है, जो ना तो बाह्य है और ना ही अभाज्य, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, एक नहीं है दोस्तों। दो की बात करूं तो दो क्या है, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, दो है, ये प्राइम नंबर है। तीन की बात करूं तो ये भी क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। तो आप आंसर अपने पास क्या आ गया, सबसे छोटी बाह्य संख्या क्या है दोस्तों, चार है दोस्तों, चार। अब देखो दोस्तों प्राइम नंबर के क्वेश्चन, प्राइम नंबर के जो अपन फैक्ट्स याद कर सकते थे वो अपन ने देखा कि फैक्ट्स कैसे आते हैं, वो अपन ने देख लिया। अब अपन इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास, जो कल की क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस में लेके आएंगे, सभी आज तक अपन ने जो पढ़ा उन सभी की प्रैक्टिस क्लास होगी कल। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 50 से 60 सवाल लेंगे अपन, जिसके अंदर पूरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे। अभी अपन और आगे लेते हुए एक दो परमेय संख्या के बारे में फैक्ट और याद कर लेते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है दोस्तों। परमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। देखो इंग्लिश शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो इन शब्दों को लिख लें, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसका हल आसानी से याद किया जा सकता। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं दोस्तों माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, जिसमें डेसिमल भी आ गई, जिसमें ये भी आ गई, ठीक, पूर्णांक, सॉरी जिसमें डेसिमल हटा दो। रियल नंबरों में से जो रियल नंबर है, जो वास्तविक नंबर है अपने, उसमें से अगर मैं डेसिमल नंबर हटा दूं तो वो सारे क्या बच गए, पूर्णांक, यानी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, ये सारे क्या है, पूर्णांक है दोस्तों। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या है, हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो भी संख्या होगी, जैसे थ्री होगा तो थ्री बटे वन माना जाएगा, टू बटे वन माना जाएगा, तो ये पी बटे क्यू के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये बहुत सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, कि जितनी भी परिमेय संख्या है कि रियल नंबर है, हाँ दोस्तों, देखो वास्तविक संख्या के ही मैंने दो भाग बताए थे आपको, मैंने जब समझाया था तो मैंने कहा था कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है रियल नंबर, उसके दो भाग हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब अगर अपन बात करें कि परिमेय संख्या रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है, अपरिमेय संख्या रियल नंबर है, हाँ दोस्तों, पर अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर है। तो चाहे तो परिमेय संख्या की बात करें, चाहे अपरिमेय संख्या की, वो सारे क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों। अभी अपन आगे चलते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ें, योग करें तो क्या आएगा। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलो दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे अपन तो ये कह रहा है कि सदैव एक प्राकृतिक संख्या, जैसे अपने एक परिमेय संख्या ले ली रूट टू, क्लियर है, यहां से लेता हूं मैं, ले ली रूट टू, इसमें मैंने रूट टू जोड़ा दोस्तों, क्या आया, टू रूट टू, टू रूट टू क्या है दोस्तों, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, अपरिमेय, क्लियर, यानी अपरिमेय संख्या को जोड़ा अपरिमेय से तो अपने पास क्या आया, अपरिमेय। अब मैं एक संख्या ले रहा हूं रूट टू, क्या है दोस्तों, अपरिमेय है,
और माइनस रूट टू क्या है, ये भी अपरिमेय है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर क्या है अपने पास, जीरो, जो कि क्या है, परिमेय है। तो ये क्या आ गया अपने पास, यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ते हैं तो वो परिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। तो इसका मतलब वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, ये इसका आंसर होगा। हाँ, सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे दोस्तों, नेचुरल नंबर अपन किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें आप देखोगे अपने पास क्या रहा है, जीरो। जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है साहब, जीरो पूर्ण संख्या में आता है। तो इसका मतलब सदैव एक प्राकृतिक संख्या हो ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। सदैव एक परिमेय संख्या होगी ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों, वो परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय। सदैव एक अपरिमेय संख्या हो ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो क्या हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। समझ गए दोस्तों, ऐसे ही अपन अगर जोड़े, एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, रियल नंबर जानते हो, वास्तविक संख्या अपन ने पढ़ी। रियल नंबर क्या होते हैं कि इमेजिनरी नंबरों को छोड़कर सारे रियल नंबर हैं, यानी माइनस के अंदर रूट में जैसे माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री, इनको छोड़कर जितनी भी संख्या है वो सारे रियल नंबर हैं। अगर मैं रियल नंबर को रियल नंबर से जोड़ता हूं तो क्या आएगा अपने पास, तो दोस्तों अपने पास रियल नंबर ही आएगा, ध्यान रखना। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से जोड़ोगे तो वास्तविक संख्या ही आएगी, लेकिन अगर रियल नंबर को अगर मैं इमेजिनरी नंबर से जोड़ता हूं, इमेजिनरी नंबर से जोड़ता हूं, जैसे मैंने ले ली दो प्लस माइनस का रूट टू, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या दोस्तों, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अपने पास क्या आएगा, फिर इमेजिनरी नंबर ही आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगर रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर जोड़ेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ते हैं तो रियल नंबर आएगा। अब अपन आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निश्चित है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निश्चित है। देखो दोस्तों, परिमेय संख्या है, मैंने ले ली परिमेय संख्या थ्री और मैंने परिमेय संख्या ले ली चार। देखो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है 3.1 आ सकता है, 3.111 आ सकता है, 3.1234 और ऐसे चलता जाए, ये भी आ सकता है, कुछ भी संख्या आ सकती है पॉइंट। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग डेसिमल है दोस्तों, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मैंने आपको पढ़ाया था नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो दो परिमेय संख्याओं में अनेकों अनेकों इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती हैं और अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निश्चित है, जरूरी नहीं वो अपरिमेय भी हो सकती है। कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या निश्चित है, हाँ अनेक परिमेय संख्या निश्चित है। कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निश्चित, एक ही जरूरी नहीं दोस्तों, अनेक परिमेय संख्या निश्चित है। कि नहीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक, ये दोनों सेम आ गए, यहां आएगा दोस्तों अनेक, अनेक परिमेय संख्या निश्चित है। तो ये आएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या भी हो सकती हैं और अनेक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इसका जस्ट अपोजिट की बात करें अपन, अगर अपने पास कोई अपरिमेय संख्या हो और अगली कोई अपरिमेय संख्या हो, तो अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूं तो इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन फैक्ट क्या लाते हैं दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आया कि एक से हजार के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। दोस्तों एक से हजार के बीच में, अगर एक से हजार की बात नहीं, मैं अगर एक से दो की बात करता हूं और अगर पूछूं कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो भी मैं ये कहूंगा कि इसमें अनंत परिमेय संख्या है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या है। तो एक से हजार तो बहुत बड़ी संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा दोस्तों, अनंत परिमेय संख्या है। क्लियर है,
अब एक बहुत अच्छी फॉर्म है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडिंग थ्योरम। इसका क्वेश्चन भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो शेषफल प्रमेय अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कम से कम दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। असिस्टेंट लोको पायलट की बात करो, टेक्नीशियन की बात करो, ग्रुप डी की बात करो, किसी की भी बात करो, शेषफल प्रमेय आपको उसमें मिले ही मिलेगा। देखो शेषफल प्रमेय क्या है, ये देखो, जिससे अपन भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, जिसमें देते हैं वो कहलाता है भाजक, जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और नीचे जो बता है वो क्या बता है दोस्तों? शेषफल। शेषफल क्या बता है? रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये बाज्य है, ये बाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कैसे आएगा दोस्तों कि साहब बाजक बराबर, बाजक बराबर क्या होगा? बाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है दोस्तों? ये थ्योरम लिख लीजिए, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 63, ठीक है, मैंने ले लिया 63, इसको अपन भाग दे रहे हैं 7 से। किससे दे रहे हैं? 7 से, नहीं 7 से तो पूरा चला गया, 7 मत दो, अपन इसको दे रहे हैं 8 से भाग दे रहे हैं। ठीक, दीजिए 8 अंटे 64, पहले 8 7 तो लिखो, 8 7 56, कितने बचे भाई साहब? 7 बचे। ये क्या है अपने पास? रिमाइंडर आया। देखो अपन इसमें केवल शेषफल की बात करेंगे, भागफल वगैरह की बात नहीं करेंगे। देखो एक तो चीज़ ये निकल के आई कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। एक अपन इसका ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसी संख्या को अपन ने ले लिया 63, तो 8 अंटे 64, तो क्या बच गया शेषफल? -1। ये भी क्या है? रिमाइंडर, रिमाइंडर है। ये भी क्या है? तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर है वो हमेशा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यानी शेषफल से बड़ा कौन होगा? भाजक, हमेशा ये ध्यान रखना, शेषफल से बड़ा क्या होगा? भाजक। जैसे अपन ने यहां बड़ा ले लिया 8 8 64, -1 शेषफल बच गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? साहब -1 है तो 1 इसमें से घटा दो, 8 -1 क्या आ जाएगा? 7 शेषफल, वही आ जाएगा, समझ लो। यानी अपन रिमाइंडर प्लस में भी ले सकते हैं और रिमाइंडर माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी संख्या को जैसे मैंने ले लिया 63, साहब 8 का भाग दे रहे हैं, गलती से लग गया कि 8 9 72, 9 बार चला गया साहब 8 9 72, शेषफल कितना बच गया? शेषफल कितना बच गया साहब? तो आप हो गए 9 बच गए साहब, है ना, 7 2 9 9 बच गया। अब 9 बच गया, क्या ये शेषफल है क्या? हाँ दोस्तों ये शेषफल तो है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 8 से बड़ा है। तो इसका अपन क्या करेंगे? इसका ये है कि 9 में फिर अपन 8 का भाग देंगे, 8 5 8, तो -1 आएगा, -1 का मतलब 8 -1 क्या आ गया? 7 शेषफल। क्लियर? अगर गलती से हो जाए, जैसे अगर अपन ने छोटी ले ली सामने, तो 8 8 56 तक नहीं जानते, 8 6 तक ही जानते, 8 6 48 साहब कितना बचेगा? तो 63 में से 48 अगर अपन निकालेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 15 बचेगा साहब शेषफल। तो साहब का शेषफल तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब अपन क्या करें? अब पूरी संख्या को भाग कर देखिए, 15 को 8 से ले लो, 8 1 8 कितने बच गए? 7 शेषफल बच गए। क्लियर है क्या दोस्तों? यानी अगर शेषफल में भाजक का दोबारा से अगर भाग दे देते हैं तो भी वो शेषफल ही प्राप्त होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना आगे
चलते हैं। देखो अब देखो और समझ लो, किसी संख्या में जैसे मैंने लिखा 113, साहब 113 में 11 का भाग, तो आप दोगे भाई 11 का दिया नहीं गया, शेष कल क्या बचेगा, 3 बचेगा, 11 का एकम 11, 11 जीरो उतार लिया, 3 उतार लिया, 3 भी नहीं गया, साहब शेष कल क्या बच गया, 3 बच गया, शेष कल 3 बच गया। यदि मैं इसको ऐसे न करके ऐसे करूं कि साहब 113 में 11 का दिया तो 11 एकम 11 3 बच गया, तो 11 एकम 11 11 उतारा, माइनस का कितने बच गए, माइनस के 8, तो 113 के शेषफल क्या हो गए, अगर 11 का भाग देते हैं तो एक तो 3 और एक माइनस 8, ये दोनों ही सही हैं दोस्तों। माइनस 8 को 11 में से घटाओगे वापस वही 3 आ जाएंगे, क्लियर है दोस्तों। यानी अपन शेषफल माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं। एक और समझा रहा था दोस्तों कि मैंने जैसे लिया 113 प्लस 23 और मैंने कहा साहब इसमें 11 का भाग दो, तो देखो साहब 11 का भाग न देकर डायरेक्ट इनमें दिया तो इसमें कितने बचेंगे, शेषफल 3 और इसमें कितने बचेंगे 11 2 22, शेषफल बचेगा 1 और शेषफलों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, इसका कॉमन शेषफल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, अगर इनको कॉमन करते हैं जैसे वैसे जोड़ के देखते हैं तो 3 2 6 दो और एक 3 136 बटे 11, तो अगर भाग देंगे तो 11 1 11 2 बच गए, 11 2 22 कितने बच गए शेषफल 4, वही 4 आ गए ना। तो यानी पूरी संख्या में भाग न देकर अलग अलग संख्या में भाग दो, अगर जोड़ है तो जोड़ दो, अगर माइनस है तो माइनस कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। जैसे गुणा करते हैं इसको 113 गुणा 23 बटे 11, तो अपन इस पूरी संख्या को गुणा न करके दोस्तों इसको अपन भाग देंगे, यहाँ 3 शेषफल बचेंगे, यहाँ 1 शेषफल बचेगा और 3 × 1 3 इसका क्या आएगा, शेषफल आएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी गुणा है तो शेषफल का गुणा कर दो, प्लस है तो शेषफल का प्लस कर दो, माइनस है तो शेषफल का माइनस कर दो। अब अपन क्वेश्चन सेट नहीं है ना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 113 × 16 / 11 फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। देखो 113 × 16 / 11 कर सकते हो, 11 का भाग 113 में देंगे 3 शेषफल आएगा, 11 का भाग 16 में देंगे 5 शेषफल आएगा और 5 को 3 को गुणा करेंगे, 5 3 कितने आ गए, 15। आप कहोगे साहब 15 इसका क्या है आंसर है, अभी टक्का नहीं, अगर 15 इसका आंसर है तो अपन कह रहे हैं कि जो शेषफल है वो तो इससे बड़ा होना ही नहीं चाहिए भाजक से, तो जब शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए तो उसको एक बार फिर डिवाइड कर दो, 11 को अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा अपने पास, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ये ध्यान रखना। यदि अपने पास शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए तो उसको फिर डिवाइड कर दो और जो आएगा वो क्या होगा, उसका शेषफल होगा, तो इसका शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर, उतार लीजिए। अभी अपन आगे बात करते हैं, 40 × 64 / 9 ये कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो, कर सकते हो, कीजिए। यहां अपन ने 40 लिखा, ये 64 लिखा, बटे 9 करिए, 9 × 36 बच गया शेषफल 4, आगे बोल 9 × 7 63 बच गया शेषफल 1 और 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया शेषफल क्या आ गया अपने पास, 4 क्या आ गया रिमाइंडर, ये क्या है इसका आंसर। क्लियर है, अभी अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लिया पढ़ने कि साहब इसका शेषफल ज्ञात करो,
शेषफल ज्ञात करो। देखो इसने लिखा 1956 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 191 बटे 19। देखो साहब सब संख्या में भाग ना देखे, एक एक मिलते हो। 19 का गया एक बार, 1956 में दिया, 19 दूनी 38, 19 57 क्या बच गया यहाँ पर, -1। ठीक है, -1 भी लिख सकते हो और 18 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अपन ने लिखा साहब -1, इसको दोगे 19 से कट गया, 19 दूनी 38, 19 57 कितने बच गए, 4। क्लियर, इसमें देंगे 19 38, 19 57 -3। इसमें दोगे 19 193 है ना, 19 तो ये बना जाएगा। ठीक है, चारों मल्टीप्लाई हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। देखो 4 3 12 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 12 शेषफल आ गया। ठीक है, अगर इसको अगर ये अपन यहाँ -1 है मान के, इसको अपन मानते 18, जैसे ये अपन ने -1 माना, -1 ने मान के अपन मानते इसको 18, जैसे इसको मैंने लिख लिया 1956 गुणा 1961 गुणा 1954 गुणा 191 बटे 19। अगर मैं इसमें भाग दूंगा, इसको 18 माना मैंने और 1957 इसको 1957 चार बज गए, इसको 4 माना मैंने और 19 दूनी इसको मैं 19 में 16 इसको 16 आते हैं। ठीक है, 19 दूनी 38, 38 में से निकालोगे तो 16 आएगा। ठीक है, और अगर इसमें दोगे तो 1। अब करके देखो 18 से 18 चौक 72 गुणा 16 बटे 19। फिर दो 19 38 19 57 19 चौक 68 बच गए कितने, 4। 16 32 43 44 64 फिर दो 19 का 19 38 19 57 कितने बच गए, 57 के बाद में कितने बच गए, 3 4 7 है ना। कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं गलती होगी दोस्तों, बाकी ये इसके क्या होंगे, आंसर होंगे 12। ठीक है, अभी अपन आगे बात करते हैं। जैसे इस संख्या को मैंने वापस ले लिया, 1956 प्लस 1961 प्लस 1954 प्लस 191 बटे 19, इसी को लिखा मैंने -1 1957 1938 1957 तो 1957 कितने बज गए, 3 और 1 4 4 बज गए प्लस के, 19 दूनी 38 1957 माइनस के 3 बज गए और 1 बज गया। जोड़ दीजिए दोस्तों, 4 1 5 5 में से 4 निकालोगे कितने बचेंगे, 5 में से 4 निकालोगे 1 शेषफल बचेगा दोस्तों, इसमें क्या बचेगा, 1 शेषफल। यदि इसकी जगह अपन 18 मानते, इसकी जगह अपन 16 मानते तो क्या करते, 18 4 22 22 और 16 38 और 1 39 बटे 19, तो 39 बटे 19 दूनी 38 तो क्या बच गया, 1 शेषफल बच गया। क्लियर है दोस्तों, वही बात है, दोनों में से कैसे भी कर लेना। अभी देखते हैं 172 प्लस 77 11 प्लस 35 प्लस 91 बटे 1917, यह आपको करना है। कीजिए, 1917 नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर 17 ही है, ये अपनी ज़्यादा बड़ी संख्या ले ली, ये 17 ही ले लो। ठीक है, ये होगा 17। अब दीजिए भाई, देखो इसमें दोगे शेषफल आएगा 2, इसमें दोगे 57 34 57 51 17 64 68 बच गए 9 और 91, 57 34 57 51 17 85 बच गए 6, 77 11 77 11 85 बच गए 6, 57 34 57 51 10 बच गए, यहाँ कितने बच गए 10, और 17 2 34 यहाँ बच गया 1, 57 34 57 85 बच गए 6, सारों में जोड़ है 10 और 2 12 और 1 13 और 6
19 बटे 17 दोगे तो क्या शेष फल आएगा, दो शेष फल आएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए, उतारना हो तो। अभी अपन आगे चलते हैं, ये देखिए दोस्त, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री, फैक्टर फोर प्लस फैक्टर हजार तक में अगर 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो समझो फैक्टर क्या है, कि जो फैक्टर हैं वो, ये फैक्टर क्या है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, वैसे फैक्टर नहीं बोल के इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसका चिन्ह ये भी हो सकता है, इसका चिन्ह ये भी हो सकता है दोस्तों, ये दोनों क्या है, इसके चिन्ह। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों जैसे मैंने लिखा फैक्टर एन, इसको मैं लिख सकता हूँ एन फैक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही हैं दोस्तों, दोनों सेम ही हैं। तो फैक्टोरियल एन का मतलब होगा कि ये एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक, थ्री टू, ये क्या होगा, ये फैक्टोरियल एन। जैसे मैंने ले लिया फाइव, फाइव का फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं फाइव आई, ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसका होगा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा वन। क्लियर है? जैसे मैंने ले लिया फैक्टोरियल नाइन, तो इसका क्या होगा, नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, ये क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। लेकिन कुछ फैक्टर्स अपन को याद कर लिए, कुछ जो जैसे एक, अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो फैक्टर का मान हमेशा एक होता है दोस्तों, अगर फैक्टर जीरो है तो उसका मान एक होगा। कैसे, अगर जीरो फैक्टर का करोगे तो आप क्या करोगे, जीरो इंटू वन, तो जीरो इसका वन होता है, क्योंकि इसका करेंगे अपन जीरो तो होगा नहीं, इसका वन तक होता है, मतलब इसका वन होता है, तो ये जीरो का ध्यान रखना, जीरो का फैक्टर क्या होता है, वन। ये एक्सेप्शन केस है दोस्तों, ये मैं बाद में समझाऊंगा कैसे होगा। अगर मैं वन की बात करता हूं तो वन, टू की बात करता हूं इसको बाद में समझाएंगे, वन की बात करता हूं तो वन, टू का टू, थ्री की बात करता हूं तो थ्री इंटू टू क्या होगा, सिक्स। अगर मैं फोर की बात करता हूं तो क्या होगा, चौबीस, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर मैं पांच की बात करता हूं तो होगा 120, और अगर मैं छह की बात करता हूं तो होगा 720। ठीक है, ये याद कर लो, छह तक, एक का एक, दो का दो, तीन का छह, चार का चौबीस, पांच का 120, छह का 720, ये आपके काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये याद करना है। ये याद कर लो दोस्तों, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो याद करने की है वो आप याद करके रखो। अब मैं इस फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं कि इसमें साहब 10 का भाग दो, तो साहब मैंने इसको लिखा, मैंने इसको लिखा, देखो मैंने यहां फैक्टोरियल वन है, फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन है, तो वन का फैक्टोरियल क्या होगा, वन होगा प्लस, अगर वन में जैसे फैक्टोरियल वन का क्या होगा, वन होगा, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, वन का फैक्टोरियल क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो वन में अगर 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, वन ही आएगा। क्लियर? प्लस अगर मैं टू में देता हूँ तो टू का फैक्टोरियल क्या होगा, इसका शेषफल दो ही आएगा। तीन का क्या होगा, छह, छह में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, छह ही आएगा। इसका क्या होता है, चार, चार का क्या होता है, चौबीस। ठीक है, तो चार में अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा, चार शेषफल आएगा। क्लियर? अब अगर मैं पांच की बात कर रहा हूं, फैक्टोरियल पांच, देखो फैक्टोरियल पांच को अपन क्या लिख सकते हैं, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो। क्लियर? या मैं बोलू 120, तो आप कहोगे साहब 10 का अगर 120 में भाग देंगे तो क्या आएगा,
10 का अगर अपन 120 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसका मतलब क्या आएगा शेषफल? जीरो। देखो 10 का भाग देखो 5 और 2 में चला कट रहा है, तो पूरा पूरा जा रहा है, इसी का मतलब पूरा पूरा जाएगा। यानी अब इसके आगे अगर कोई भी संख्या आएगी उसमें 5 और 2 तो आएगा, ये समझो। अगर फैक्टोरियल 5 का मान ये आ रहा है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, इसमें अपन 10 का भाग दे रहे हैं तो 5 इंटू 2 कट रहा है। अगर अपन फैक्टोरियल 6 लेते हैं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी ये वैल्यू तो आएगी कि नहीं आएगी? यदि कोई संख्या जैसे मैं कहूं कि 120 10 से भाग है, अगर मैं इसमें अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो पूरा पूरा ही जाएगा भाग, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर यहां इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसके आगे वाली संख्याओं में भी पूरा पूरा जाएगा। तो आगे वाली जितनी भी संख्या आएंगी उसमें शेषफल क्या आएगा? जीरो आएगा। तो अपन को शेषफल देखना है, तो अपन को शेषफल देखना है तो इनको जोड़ लो, 6 4 10 10 2 12 13, 13 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल? 3 शेषफल आएगा। समझ में आया दोस्तों? यानी अपन को इस संख्या तक देख लिया कि यहां से जीरो हो रहा है तो इसका मतलब इसके आगे जीरो होगा, तो वो जो संख्या बची हुई है उनका अपन ने शेषफल निकाल लिया। ठीक है, ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और ऐसे चलता जा रहा है फैक्टोरियल 1000 तक, और इसमें डिवाइडर से लेना है किसका? 12 का। अब बताओ दोस्तों अब इसका कैसे निकालना? अब इसका निकालते हैं अपन, अपन इसका निकालते हैं साहब 1 का क्या होगा? 1 चलो कलर दूसरा ले लेता हूं, 1 का 1 होगा। तो साहब 12 का अगर 1 में भाग देंगे इसका क्या होगा? इसका 2, इसको क्या बोलते हैं? 6। इसको देखो 4 को क्या लिखोगे? 4 गुणा 3 गुणा या 24 बोल लो, 24 बोलेंगे। तो साहब 12 का भाग 24 में पूरा पूरा चला जाता है, यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया, तो इसको मतलब आगे अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो सभी का शेषफल क्या आएगा? 0। तो अगर 12 का भाग 1 में देंगे तो 1, 12 का भाग अगर 2 में देंगे तो 2 शेषफल आएगा, 12 का भाग अगर 6 में देंगे तो 6 प्लस 6 लिख दो या माइनस 6 लिख दो तो 6 2 8 1 9, इसका शेषफल क्या आ गया साहब? 9 शेषफल आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन देखने में इतना टफ था लेकिन सोल्व इसका आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन अगर कुछ कोई दूसरी संख्या ले ली, जैसे मैंने ले लिया √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √5, ठीक है, और ये √1000 तक ले लिया मैंने, और मैंने कहा साहब 18 का भाग दो इसमें, मैंने कहा साहब 18 का भाग दो इसमें और शेषफल बताओ। 18 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो, कर सकते हो? कीजिए। वन को क्या लिखोगे? 1। 2 को क्या लिखोगे? 2। 3 को क्या लिखोगे? 6। साहब 4 को 24 और 5 को 120, ठीक है, यहां तक पूरा पूरा नहीं गया। अगर मैं यहां फैक्टोरियल 6 लिखता हूं, देखो 18 का भाग 1 में दोगे 1 शेषफल आएगा, 18 का भाग 2 में दोगे 2 शेषफल आएगा, 18 का भाग 6 में दोगे 6 शेषफल आएगा, 18 का भाग 24 में दोगे 6 शेषफल आएगा, 18 का भाग अगर 120 में देते हो आप तो 18 2 36 18 4 18 18 9 8 9 72 कितना जाएगा? 857 और 7 10 12 126। माइनस का 6 लिख सकता हूँ क्योंकि 18 सत्ते कितने होते हैं? 18 सत्ते 857 5 8 7 7 5 12 126 होते हैं, तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है, माइनस का 6 लिख दो या 12 लिख दो, ये की बात है, माइनस का 6 आ गया।
लेकिन अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, इसमें 18 बेहतर में पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरा पूरा चला जाएगा, यानी इसके बाद में जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, जीरो। तो ये इसका क्या होगा, सिंपल 6 से 6 कट गया, 6 2 8 1 9 क्या आ गया इसका, सेसफल आ गया, रिमाइंडर आ गया दोस्त, रिमाइंडर आ गया, क्लियर। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे। अब ऐसा ही मैं एक सवाल और ले रहा हूं, वो भी इसी से संबंधित है, मैंने लिया नहीं, चलो ले लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। एक सवाल और ले रहा हूं, लिखिए √1 + √2 + √3 --√1000 क्लियर का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा बताओ साहब, इकाई का अंक वंस नंबर क्या होगा इसका, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, कर सकते हो, देखो समझो, जैसे मैंने ले लिया 83, मैं कहूं साहब इसमें इकाई का अंक अगर अपन को पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखो इकाई का क्या है इसका, 3 है, तो साहब अगर मैं इसमें 10 का भाग दे दूं तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, समझो शेषफल 3 आएगा, और 3 क्या है इसका, इकाई का अंक। ऐसे मैंने ले लिया 72, 10 का भाग दूंगा, शेषफल क्या आएगा, 2, और 2 क्या है इसका, इकाई का अंक। 93, इसमें अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 3, और 3 क्या है इसका, इकाई का अंक। क्या समझे, इधर ध्यान दो, सभी इधर ध्यान दें, देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इससे देखो 10 का भाग अपन किसी में भी दे रहे हैं तो जो शेषफल बच रहा है वो अपने क्या बच रहा है दोस्तों, इकाई का अंक, क्लियर। यानी यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 10 का भाग दे दिया जाए, 10 का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त शेषफल, तो प्राप्त शेषफल उस संख्या का यानी कौन सी संख्या, यानी भाजक का क्या होगा, का इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है। किसी संख्या में 10 का भाग देंगे तो उसका इकाई अंक प्राप्त होगा। ऐसे ही मैं अगर किसी संख्या में, चलो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, आप अपन उस क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा साहब इसमें इकाई अंक ज्ञात करो, अगर इसमें इकाई अंक अपन को ज्ञात करना है तो इसमें अपन किसका भाग दे दें, 10 का, और जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, इकाई अंक। तो एक में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, 2 में देंगे 2 आएगा, 6 में देंगे 6 आएगा, और यहां 4 आया था तो 24 में देंगे तो 4 आएगा, और यह 5 वाला क्या हो गया था, 0, ये हो गया। इसमें 10 का भाग दो, 6 4 10 दोबारा 13 13/10 है, यानी इकाई अंक क्या आ गया, 3। 3 क्या है, जो 3 शेषफल आया वो इसका क्या है, इकाई अंक। यानी इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे अपन तो जो इकाई अंक प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे ऐसे ही अपन को दहाई अंक पूछ ले, अगर यहां पर दहाई अंक पूछ लेता, यहां इकाई अंक न होके ये क्वेश्चन होता कि √1 + √2 + √3 + …+10000 ले लो यहां पर, का दहाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, उस संख्या का इकाई का अंक। अपन अगर दहाई के अंक की बात करें तो ऐसे ही साहब किस, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 994, क्लियर है दोस्तों, इसमें मैं 100 का भाग दे रहा हूं तो शेषफल क्या आएगा, अपन देखोगे साहब 100 * 900 शेषफल आ गया 94, यानी 2 संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसकी इकाई की और दहाई के अंक प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा।
ऐसे मैंने ले लिया 892, इसमें साहब 100 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा 92, जो कि क्या है इसका इकाई और दाईकांक। यानी यदि किसी संख्या में अपन 100 का भाग देते हैं तो उसका इकाई और दाईकांक अपन को शेषफल में प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में जैसे मैंने ले लिया 9876 और उस संख्या में अपन 1000 का भाग देते हैं तो अपने पास शेषफल क्या आएगा 876, जो कि क्या है इसकी तीनों एक लास्ट की इकाई की। यानी किसी संख्या में अगर 1000 का भाग देंगे तो उसके लास्ट 3 डिजिट प्राप्त होंगे, किसी संख्या में अपन 100 का भाग देंगे तो उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट शेषफल के रूप में प्राप्त होंगे, किसी संख्या में यदि 10 का भाग देंगे तो उसका जो उस संख्या का जो इकाईकांक है वो अपन को शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर? तो यहां ये दाईकांक पहुंच रहा है तो अपन इसमें 10 का भाग नहीं देंगे, किसका भाग देंगे दोस्तों 100 का भाग देंगे। दीजिए ये 1, ये 2, ये 6, अगर अपन 4 की बात करते हैं तो ये क्या होगा 24, अगर 5 की बात करते हैं तो ये होगा 120, अगर अपन 6 की बात करते हैं तो ये होगा 720, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। लेकिन जहां पर दोस्तों 100 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, जहां पर यहां रूट 10 में 100 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ दो और 100 का भाग दे दो और जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या होगा दाई का अंक प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आज अपन ने प्राइम नंबर पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर पढ़ लिया और जो शेषफल प्रमेय है, जो रिमाइंडर प्रमेय है वो अपन ने पढ़ लिया और अपन ने एक चीज प्राप्त कर ली, क्योंकि यदि कोई प्राइम नंबर होगा, देखो जैसे मैंने ले लिया साहब 164 प्राइम नंबर है कि नहीं इसका पता करना है, तो दो तरीके बताए थे। एक तो साहब इसके आसपास, जैसे 164 ना लेके मैं 165 ले लेता हूँ, तो आप कहोगे साहब इसके आसपास ये संख्या देखो कि इसका वर्गमूल आता हो, जैसे मैं कहा साहब 12 का 144 आता है और 13 का आ जाएगा साहब 13 का, तो 13 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं, 13 से छोटी कौन कौन सी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं साहब 9 प्राइम नंबर नहीं, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 11 तक की जो संख्या है इनका एक एक का भाग देके देखो, यदि इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। देखो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 1 का 5 है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या है कंपोजिट नंबर है। लेकिन एक दूसरा तरीका देखने का साहब, 165 है साहब, पहले इसमें 6 का भाग देखो, शेषफल क्या आना चाहिए, या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1, 2, 6 × 12 बच गए कितने 4, 6×36 = 42, शेषफल क्या बच गया 3, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर शेषफल 1 बचता है या तो +1 या -1 तो फिर चांसेस बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं, तो इससे अपन नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर बताओ। ठीक है, पहला ऑप्शन 39, सेकंड ऑप्शन 49 ले लो, 51 ले लो, 53 ले लो, थर्ड ऑप्शन 112 और फोर्थ ऑप्शन कुछ भी ले लो दोस्तों, मैंने ले लिया 9 ले लिया। ठीक है, इसको देखना कि प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्राइम नंबर देखने के लिए देखो 39 है, इसको देखो 6×36 क्या बच गई +3, इसका मतलब ये नहीं है, 6 का भाग लो 6×9 = 54, -1 है, हाँ ये हो सकती है साहब, ये 53 हो सकती है, 6×9 = 54 ये हो सकती है, चांसेज है। अगर इसमें दें तो इसमें तो देखो वैसे 2 आ रहा है का इसका भाग जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 भी नहीं है, तो इसका मतलब अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या होगा इसका प्राइम नंबर। अगर अपने पास ऐसे 2 आ जाते, 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर अपन वो फर्स्ट वाला मेथड लगा के चेक करते। क्लियर है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, अब तक अपन ने जो पढ़ ली, देखो इसमें अपन ने गुणनखंड पढ़ लिया, नंबर्स के बारे में क्या सिस्टम है वो पढ़ लिया, शेषफल प्रमेय पढ़ ली, डेसिमल वगैरह पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिया, प्रमेय संख्या क्या होती है, अप्रमेय संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये अपन ने सब पढ़ लिया। अभी तक अपनी थ्योरम चल रही थी,
अभी अपन दो क्लास प्रैक्टिस के लेके आएंगे, उसमें अपन थोड़ा सा कुछ आगे एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा, कुछ टॉपिक जो अपने छूट गए वो भी अपन उस प्रैक्टिस में लेंगे उनको, और प्रैक्टिस में आपको ये जो पीछे के टॉपिक है एक साथ कवर होंगे दोस्त, उसमें आपको समझ में आएगा। तो आने वाली जो दो क्लासेज हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन क्लासों को अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछली क्लासेज जरूरी है। देखो किसी चीज को समझना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आप फोकस करो उस टॉपिक पे, फोकस कीजिए उस फोकस पे, आप जितना फोकस करोगे उस टॉपिक पे वो टॉपिक आपके उतना ही क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा ये आपका है क्लास में, क्लास में अगर आप जितना टाइम देंगे उसको उतना ही आपके ये फोकस क्लियर होगा। फिर बात आती है उस टॉपिक पर सोचने की, मनन। तो उस टॉपिक पर मनन कीजिए, एक बार रुक जाओ, उस टॉपिक पर मनन कीजिए, सोचिए कि ये वो कैसे आया और क्या हुआ। और एक तीसरी आती है प्रैक्टिस। देखो अपन ने टॉपिक पढ़ा है, उस पर आपने फोकस किया, अपन ने मनन भी किया कि इसमें क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में सोचा, और अब तीसरी जो बच रही है वो है प्रैक्टिस। अब आप जितना और इसमें प्रैक्टिस करेंगे अपन, उतने ये टॉपिक अपने क्लियर होती जाएगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।